नरसिंहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हजारों लोग पहुंचे सीए और एनआरसी के विरोध में नरसिंहपुर चर्च ग्राउंड। सीए के बताया काला कानून और वहीं मन से संविधान बचाने की मांग। मुस्लिम समाज के साथ कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान सहित नरसिंहपुर के पूर्व विधायक सुनील जायसवाल, इंजीनियर रुद्रेश तिवारी, बहुजन समाजवादी पार्टी के नारायण पटेल सहित हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। मन से केंद्र सरकार को जमकर कोसा, जब तक केंद्र सरकार सीए कानून को वापस नहीं लेती तब तक विरोध प्रदर्शन करने की बात कहे। ये है कि सबको ये इस बात का एहसास है कि ये अल्टीमेटली नागरिकता ख़त्म होगी कईयों, क्योंकि लोग पेपर नहीं दे पाएंगे और ये पेपर के कवर पे करना चाहते हैं कि हम एनआरसी ला रहे हैं और डेटा जमा कर रहे हैं। भाई डेटा सबका है, आधार कार्ड दुनिया के डेटा हैं और भी तरीके हैं, लेकिन नागरिकता से जोड़ने का मकसद जो है उनका, उस पर हिंदुस्तान के लोग एहतजाज करें कि इसको नागरिकता से मत जोड़िए। और फिर चूँकि और डबल इसका वहमी है कि उन्होंने सीए बना के उसमें एक और प्रावधान कर लिया कि इन इन धर्म के लोगों को देंगे और दूसरे लोगों को नहीं देंगे, तो नहीं तो 51 का जो 1951 का जो लॉज है, कोई लॉज की तो वैसे भी कमी नहीं है हिंदुस्तान में। उन्हें अगर कोई भी सरकारें अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करे तो जो भी लोग आए हैं जिनको वो धार्मिक अल्पसंख्यकों कहते हैं, जो पाकिस्तान बांग्लादेश है, उनको दे सकते हैं और किसी को एतराज़ नहीं, उनको नागरिकता देने का एतराज़ नहीं है। लेकिन आप जो बेसिक एनआरसी और जो ला रहे हैं उसके पीछे जब आप नागरिकता जोड़ रहे हैं, नागरिकता किसी इंसान की, वो बहुत चिंतित करने वाली है।